दीपावली के नजदीक आते ही दमकल विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा एवं एहतियातन के मद्देनजर किसी भी तरह की अप्रिय घटना हमीरपुर शहर में ना हो, इसके लिए दमकल विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार में आवाजाही करना शुरू कर दी है। प्रथम दिवाली के चलते दमकल विभाग की गाड़ी ने मुख्य बाजार हमीरपुर के साथ साथ अन्य चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग को, अपनी दुकानदारी उतनी ही सजाने के निर्देश दिए, जिससे अव्यवस्था न हो और किसी भी तरह की घटना घटित होने पर दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार में आ जा सके। मुख्य बाजार में दमकल विभाग की गाड़ी जैसे ही पहुंचे तो व्यापारी वर्ग की दुकानदारी सीमा के भीतर ना होकर कुछ अधिक बाजार में बढ़ गई थी, जिस पर विभाग की टीम ने व्यापारी वर्ग को आह्वान किया कि सामान उतना ही बाहर सजाएं जितना सुविधा स्वरूप मुख्य बाजार में विभाग की गाड़ी आवाजाही कर सके। दमकल चौकी इंचार्ज हमीरपुर देवेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते दिन में 3 बार दमकल विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग करेगी। चौकी इंचार्ज ने लोगों से व्यापारी वर्ग से आह्वान किया कि सामान दुकान के बाहर उतना ही सजाएं ताकि विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार में आसानी से आवाजाही कर सके। सर, ऐसे जो स्टॉल लगे हुए ना, इंडस्ट्री जगह में स्टॉल लगा रखे हैं, उसमें दिक्कत हो जाएगी, कहीं आगमी की दुर्घटना हो जाती है और हमने गाड़ी जल्दी से निकालनी तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जाते हैं तो इनको पीछे हटाने के, आप देखते हैं हमारे को 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिनके शाम को भी गाड़ी लेकर आएंगे, जब तक पता लग जाएगा इन्होंने जो इनको जाते हैं जी उसमें अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सब इसका सर हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे, महोदय से कहेंगे, इसके बारे में शिकायत करेंगे, ऐसे जितने भी स्टॉल आगे बढ़ाए हुए रोड से बाहर, जो स्टॉल बढ़ाए हुए नाली के बाहर लगाए हुए, उनको जो क्लोज किया जाए, तभी जो हमारी अग्निशमन की वाहन जो है आसानी से गुजर सकता है, तथा जो अग्निकांड से नुकसान होना है उसको कम से कम किया जा सकता है। और सबका तो बुरा है सर, यहाँ छोटी गाड़ियाँ जो है ना बाजार में नहीं जानी चाहिए, ऐसे रास्ते में जो गाड़ियों को बाउंड किया जाना चाहिए, जिससे जो हमारी अग्निशमन वाहन जो है तुरंत जो है आसानी से निकल सके। कार्यकारी थाना प्रभारी धर्मचंद ने बताया कि दिवाली के दौरान आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसको लेकर दमकल विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा एवं एहतियातन के मद्देनजर किसी भी तरह की अप्रिय घटना हमीरपुर में ना हो, इसके लिए दमकल विभाग की गाड़ी मुख्य बाजार में आवाजाही करना शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि व्यापारिक वर्ग से अपनी दुकानदारी उतने ही सजाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि अव्यवस्था न हो और किसी भी घटना घटित होने पर दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम की गाड़ी वहां पर जा सके। दिवाली का फेस्टिवल लगभग शुरू हो चुका है, बाजार में काफी रश है, तो हमने आज सुबह से ही पेट्रोलिंग बाजार में लगा दी है और ये देर रात तक चलती रहेगी। खासकर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाजार में आज कोई ना थोड़ा पार्किंग ना हो, लोग जो रेडी फड़ी वाले हैं वो सड़क को इनक्रोच ना करें, और ताकि पब्लिक आसानी से और बड़ी आराम से अपनी खरीदारी कर सकें, और साथ में ध्यान रखेंगे कि बाजार के बीच की मार्केट में कोई पटाखे वगैरह ना रखें या कोई एक्सप्लोजिव जैसी कोई चीज़ें ना रखें मार्केट में ना रखें, और जो स्थानीय प्रशासन ने जो जगहें चिन्हित की हैं पटाखों के लिए उन्हीं जगह पर पटाखे की दुकान लगाएं, या हम इंश्योर करेंगे दिवाली तक, और ये इंश्योर करेंगे हम कि ये बाजार में मार्केट में ना आए, ये गाड़ियाँ मार्केट में ना, इसलिए हमने एक टीम आज पेट्रोलिंग के लिए दिन को भेज दी है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम खुद निकलने वाले हैं बाजार में।